मैंने कहा गांधी की तरफ से कि चलो लाइमलाइट आ जाती है, वाह ऐसे लाइमलाइट ले लेंगे, वाह ले लो लाइमलाइट ले लो, ऐसे नहीं मिलती लोकसभा की टिकट, वैसे भी कोई नहीं पूछता आपको। तो दोस्तों एलविश यादव ने भी अभी क्लियर कर दिया है कि मेनका गांधी ने जो इस तरीके की हरकतें की हैं वो दोस्तों बीजेपी सरकार से लोकसभा की सीट पाने के लिए की है। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने, मैंने कहा था पहले के वीडियो में कि अमित शाह ने सीधे सीधे मेनका गांधी को मना कर दिया था लोकसभा की सीट के लिए, इसलिए दोस्तों मेनका गांधी ने लोकसभा की सीट पाने के लिए एलविश यादव को टारगेट किया, क्योंकि दोस्तों एलविश यादव कई सारे बीजेपी नेताओं के साथ घूमते हैं, इसलिए उन्हें लगा होगा कि ये बीजेपी पार्टी से हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों उन्हें लगा होगा कि ये बीजेपी पार्टी से, तो इसे टारगेट करेंगे क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी है और एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। जी हाँ, इसको टारगेट करेंगे, क्या पता बीजेपी वाले मुझे सीट दे दे। जी हाँ, लेकिन उनमें इतनी अक्ल नहीं है कि यदि आप बीजेपी के सपोर्ट में हैं तो बीजेपी के वाले का आदमी को टारगेट कर रहे हो, तब तो दोस्तों आपको सीट देने वाले होंगे तो भी नहीं देंगे। जी हाँ, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए।